सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? काफ़ी बढ़ेंगे तो गाइज आगे बढ़े हैं। तो गाइज क्या आप भी गेम को ओपन करते हो तो गाइज यहाँ पर आपको डेली अपडेट मांगता है। पर मैंने अपने गेम को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद पहली बार यहाँ पर मैं अपना गेम को ओपन कर रहा हूँ तो गाइज यहाँ पर मेरे को पहली बार यहाँ पर मेरे को अपडेट मांग रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 5.93 MB का ये अपडेट है। तो गाइज आपको ये डेली अपडेट करना पड़ता है, तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो आज के वीडियो बताऊंगा कैसे आप ये जो भी डेली अपडेट प्रॉब्लम है उसको हटा सकते हो। तो गाइज अपने गेम जैसे ओपन करते हो तो गाइज फटाक से ओपन हो जाए, यहाँ पर कोई भी अपडेट का प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि आप सबसे पहले अपडेट कर देता हूं। तो गाइस इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर मैं आपको दो तीन स्टेप सेटिंग बताऊंगा। तो गाइस आपको सेटिंग को फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको कुछ सारा अपडेट कर देना, जो भी अपडेट आया यहां पर आप देख सकते हो 5.93 MB का यहां पर अपडेट आया हुआ था। तो गाइस यहां पर मैंने अपडेट मार दिया। तो गाइस जब तक अपडेट नहीं होता है तब तक गाइस यहां पर मैं वेट कर लेता हूं। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो यहां पर मैंने अपडेट कर दिया। अभी गाइस यहां पर मैं सबसे पहले अपना फेसबुक आईडी से यहां पर लॉग इन कर लेता हूं अपना आईडी को। यहां पर आप देख सकते हो यहां पर मैंने अपना फेसबुक आईडी को लॉग इन कर लिया फ्री फायर मैक्स में। तो गाइस जैसे आप अपडेट करके अपने गेम को ओपन करते हो तो गाइस कुछ तरह गेम ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा अपने गेम के सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद कुछ सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्राउजर। तो गाइस उसके साइड में यहाँ पर आपको क्लियर कैचेस मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको रिपोर्ट नेटवर्क इशू मिलेगा, तो गाइस सेंड रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस रिपोर्ट सेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है, जैसे कि गेम से बैक आना है। गेम से बैक आने के बाद बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन है सारे को आपको कुछ तरह क्लोज करना है। गेम को क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दो तीन स्टेप बताऊंगा, वो स्टेप को जैसे आप फॉलो करते हो गाइस आपका गेम पर डेली अपडेट प्रॉब्लम शो नहीं होगा। तो गाइस उसके लिए आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह। तो गाइस थोड़ा नीचे जाना है, जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐप्स का सेटिंग मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर जैसे कि ऐप सेटिंग डिफॉल्ट ऐप ऐप्स कुछ भी मिल सकता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा ऐप्स है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आपको यहाँ पर ऐप्स का सेटिंग नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर देना कुछ इस तरह ऐप्स। तो यहाँ पर आपको ऐप्स का सेटिंग मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे ऊपर आ चुका है ऐप्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पता करना है फ्री फायर मैक्स को। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे को फ्री फायर मैक्स मिल चुका है। आपको यहाँ पर फ्री फायर मैक्स नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर देना, तो आपको फ्री फायर मैक्स मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पर आपको स्टोरेज मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लियर डाटा क्लियर कैचेस मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लियर कैचेस करना है। कैचेस करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है। बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन है सारे को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा यहाँ पर अपना फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ करना है। जैसे जो भी फ्लाइट मोड होता है तो उसको एक बार ऑन करके ऑफ करना है, और जो भी हॉटस्पॉट मोबाइल डाटा जो भी है तो उसको अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो भी साइट का पावर बटन है उसको क्लिक करके रखना है थोड़ा देर, और यहाँ पर आपको रीस्टार्ट मिल जाएगा बीच में, इसके ऊपर क्लिक करना तो आपका फोन एक बार स्विच होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना गेम को ओपन करते हो तो गाइस कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं होगा। तो गाइस चलो आज के वीडियो में कुछ इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।